स्टोरेज क्लासेस हमारे कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल, जो हम वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं, और वो कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि उसका कीवर्ड क्या होगा, वो स्टोर कहाँ पर होता है, उसकी लाइफ प्रोग्राम में कितनी है, प्रोग्राम में वो कहाँ कहाँ पे विजिबल है, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी. सबसे पहली हमारी स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक, कीवर्ड इज ऑटो. स्टोरेज इसकी मेमोरी है, मतलब ये रैम में स्टोर होता है, हम मेमोरी चैप्टर पढ़ चुके हैं. लाइफ टाइम फंक्शन का ब्लॉक होता है, मतलब कर्ली ब्रेसेस का जो पेयर होगा उसमें ही ऑटो वेरिएबल की लाइफ होती है. विजिबिलिटी लोकल होती है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के पेयर में ये स्टार्ट होता है और एंड होता है. इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज होती है. इन सबके हम एग्जाम्पल अभी कर लेंगे. नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर. द कीवर्ड इज रजिस्टर, ये डिक्लेयर होगा रजिस्टर इंट आई. ठीक है, स्टोरेज इसका रजिस्टर होता है, इसमें और ऑटोमेटिक में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, एवरीथिंग इज सेम. जस्ट द डिफरेंस इज कि इसकी स्टोरेज रजिस्टर में होती है, और रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ स्मॉल मेमोरी. लाइफ टाइम इसका भी कर्ली ब्रेसेस का पेयर एक ब्लॉक होता है. विजिबिलिटी अगेन इसकी लोकल होती है, मतलब जिस कर्ली ब्रेसेस के पेयर में डिक्लेयर होगा एंड होगा वहीं तक इसकी लाइफ होती है. गार्बेज वैल्यू इज द इनिशियल वैल्यू फॉर दिस कीवर्ड. नेक्स्ट इज स्टैटिक. स्टैटिक कीवर्ड मेमोरी में स्टोर होता है, लाइफ इसकी होल प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम में इट इज नोन टू एवरीवन, पर विजिबिलिटी इसकी लोकल होती है और इनिशियल वैल्यू जीरो होती है. एक्सटर्न एक अलग टाइप का कीवर्ड है. एक्सटर्न इज द कीवर्ड मेमोरी में ही स्टोर होगा, पूरे प्रोग्राम में नोन होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा, और जीरो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी. अब हमने इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया, अब हमें ये समझना होगा कि ये प्रोग्राम में क्या रेलिवेंस रखता है हर पॉइंट. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन सीटी में पक्का आएगा. ठीक है, तो अब हम इसका प्रोग्राम मैम देखते हैं. हाँ बोलो. मैम लिख के दो। हाँ, प्रोग्राम बना रही हूँ मैम, एक मिनट. ये नहीं, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, पर ब्लैक यस, ब्लैक दिख रही आ रहा है ये है। प्रोग्राम, हाँ दिख दोनों रही दिख है, रहे यस हैं? ठीक है, मैम। ओके. ये मैंने स्टोरेज क्लास का एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है. ठीक है, मैं इसको मैम थोड़ा समझ सा, में क्या आते नहीं है। नहीं समझ आता? अब बना रही तो हूँ, हमें देखो. क्या करोगी? अच्छा, अब देखो समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लेना भाई, क्या कर सकते हो. प्रैक्टिस आप बताओ क्या कर सकते हैं। ही कर सकते हो, मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, देखो, ओके मैम, हमने वॉइड मेन डिक्लेयर किया. अभी आप ना इसे इग्नोर करो कि ये क्या है. ठीक है, हमने वॉइड मेन डिक्लेयर किया. इंट आई इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी, जो हम मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमें डिफॉल्ट वैल्यू रीड करनी है. तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया और उसे प्रिंट कराया. ये स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया, और ये एक स्टोरेज क्लास है ऑटो. तो मतलब ये जो वेरिएबल है ये ऑटो टाइप का है. अब ऑटो वेरिएबल का मतलब क्या था कि इसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज होगी, ये इस करंट स्कोप, मतलब कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ और इस कर्ली ब्रेसेस में खत्म हुआ, तो यहीं पर ही नोन होगा. विजिबिलिटी भी लोकल है और लाइफ भी इसकी इसी ब्लॉक के अंदर है, और लास्ट जो था वो डिफॉल्ट वैल्यू है. तो अब हम इस प्रोग्राम को प्रिंट करा, मतलब आउटपुट में आपको जनरेट करके दिखा रही हूँ. तो इंट आई हमने डिक्लेयर किया, इंट जे डिक्लेयर किया, वैल्यू हमने दी नहीं है, और दोनों की वैल्यू प्रिंट कराई है. ठीक है, दोनों की जो वैल्यू आई वो कोई गार्बेज आया है, कोई गार्बेज. अब अगर आपको याद हो तो ऑटो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है, तो ये उसका प्रूफ था. ठीक है, मतलब अगर हम इसे वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो ये कोई भी वैल्यू शो करेगा. अब हमने दे दिया इसे वैल्यू, चला दिया, तो जो वैल्यूज हमने इसे असाइन की वो इसकी एज आउटपुट शो हो गई. ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ये एक वेरिएबल है जो हमने इंट टाइप का एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया है. ठीक
ठीक है, तो j इज द वेरिएबल ऑफ ऑटो टाइप. i इज ऑल्सो अ वेरिएबल ऑफ ऑटो टाइप, क्योंकि जब भी हम इसमें कुछ नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास होती है वो ऑटो होती है. तो i इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटो स्टैटिक क्लास, ओ सॉरी ऑटो स्टोरेज क्लास. ठीक है, अब हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं तो जो वैल्यू हमने दी है वो आ जाएगी. एनोटेशन क्लियर करो. अब हम नेक्स्ट करते हैं रजिस्टर. ऑटो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आपकी गार्बेज थी, अब मैं ऑटो वेरिएबल का कोड हटा रही हूं, ये कमेंट्स है नॉन रीडेबल हो गए. अब रजिस्टर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और हमने उसे प्रिंट कराया कंट्रोल एफ नाइन. जो इनिशियल वैल्यू आई है वो कोई गार्बेज आया है. ठीक है, अब अगर मैं इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे दूं और रन करूं तो जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड ऑटो वेरिएबल? सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो रजिस्टर वेरिएबल होगा, अगर कोई रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी में वेकेंट है तो ये आई वहां पर एक्सेस होता है, वहां पर स्टोर होता है, सो दैट कि इस आई की एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो. और ऑटो वेरिएबल हमारा नॉर्मल मेमोरी में स्टोर होता है, रजिस्टर में नहीं होता है. एक और चीज, ये जो वेरिएबल है ये रजिस्टर में स्टोर होगा. अगर रजिस्टर नहीं अवेलेबल होंगे तो इट विल बिहेव लाइक ऑटो वेरिएबल. ठीक है, तो अब हमारी ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई, रजिस्टर और ऑटो. ठीक है, अब हम थर्ड वेरिएबल करते हैं, दैट इज स्टैटिक. मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, आउटसाइड मेन. ये फंक्शन डेफिनेशन है और ये डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे इसकी कुछ कॉलिंग करी है. हम पूरा समझ नहीं आया कौन सा वाला, बताओ. देखो ऑटो वेरिएबल जो होता है ना, जो ऑटो वेरिएबल होता है ये नॉर्मल वेरिएबल होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, स्टोर ये मेमोरी में होता है और जो स्कोप होता है वो इसका कर्ली ब्रेसेस होता है, बस और कुछ नहीं है. ये चीज समझ आई? ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल ये जो आई है ये रजिस्टर वेरिएबल है, ये बिल्कुल सेम है ऑटो वेरिएबल की तरह, मतलब जो अभी तक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, पर ये वेरिएबल रैम में स्टोर होता है और ये जो वेरिएबल होगा जो रजिस्टर में स्टोर, रजिस्टर जिसको लिखा है, ये रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होगा. अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया? हाँ बोल दो. यस मैम. ठीक है, यस मैम. चलो, अब कमेंट्स का मतलब आपको पता है, अब इस मेन में फिलहाल कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया एक ऐसे ही void static example. ठीक है, और मैं नीचे जा रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी, फिलहाल मैं इसे हटा देती हूँ स्टैटिक को. तो ये वाला वेरिएबल किस टाइप का हुआ? बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल हम नहीं, इंट का तो है ही. ये इंट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टोरेज क्लास का हुआ? ऑटो. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑटो. तो ऑटो वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? गार्बेज. तो मैं इसमें से एक मेथड को, सारे ही मेथड को कॉल करती हूँ. तो फिलहाल ये हमारा ऑटो वेरिएबल है. जब ये मेथड कॉल होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा, एस डिक्लेयर होगा और एस की वैल्यू प्रिंट होगी और इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी. फिर ये वाला मेथड, ये देखो F7, क्लियर स्क्रीन. अब मैंने इसको कॉल किया स्टैटिक एग्जांपल को, तो ये यहां गया, एस डिक्लेयर हुआ, प्रिंट एफ हुआ और एस प्लस प्लस हुआ, ये खत्म हो गया. अच्छा, अब आप बताओ ऑटो वेरिएबल का स्कोप कहां से कहां तक था? सिर्फ इस स्कोप में है ना. तो अगर ये ऑटो वेरिएबल है और ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई,
ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहीं पर खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा, ये दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, फिर ये वैल्यू प्रिंट करा रहा है, तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थिंक, देखो इसने क्या प्रिंट कराया, वैल्यू प्रिंट हो गई, पांच वैल्यू प्रिंट हुई, पर पांचों गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई। इसका मतलब है कि जो भी एस में वैल्यू शुरू में असाइन हुई होगी वही बार बार प्रिंट हो रही है, इस एस प्लस प्लस से कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं इसको कोई वैल्यू दे देती हूँ, जैसे 11 लिखी है तो 11 ही दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9, तो सारी वैल्यूज 11 आ गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि अभी तक तो ये ऑटो वेरिएबल था, एस प्लस प्लस से कोई चेंज नहीं आ रहा था। अब हमें देखना है कि अगर हम स्टैटिक लिखते हैं तो उससे क्या चेंज आएगा। ठीक है, मैं ना इन सबको फिलहाल कमेंट कर रही हूँ। ओके, तो और मैं इसको भी वैल्यू प्रिंट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अब हमें पता था, हमने जो टेबल देखा था, स्टैटिक की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब हम वो चेक करते हैं सबसे पहले, कंट्रोल F9। तो स्टैटिक, जैसे ही मैंने ये वेरिएबल किया, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, ये श्योर हो गए हम। फिर इसने इसे प्रिंट कराया और एस प्लस प्लस किया। अब मैं ये वाला कमेंट हटा रही हूँ, कंट्रोल F9। एस की वैल्यू जीरो थी, इंक्रीमेंट होके वन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि मैं F7 क्लिक कर रही हूँ, F7, इसने मेथड को कॉल किया, यहां पर आया, एस की जो भी वैल्यू होगी, अब ये स्टैटिक वेरिएबल है तो जीरो थी वैल्यू, तो इसने जीरो को प्रिंट करा दिया और जीरो को इंक्रीमेंट करा दिया। पर अगर आपको याद हो तो स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप था वो पूरे प्रोग्राम में होता है। ठीक है, होल प्रोग्राम लिखा था वहां पे, तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू जीरो थी वो इंक्रीमेंट होके वन हो गई होगी। अब खत्म, नेक्स्ट दोबारा मेथड कॉल हुआ, दोबारा मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट हुई? पहले जीरो प्रिंट हुई थी, एस प्लस प्लस के थ्रू वो वन हो गई, तो अब हमारी वैल्यू जो होगी वो अपडेटेड वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल होल्ड्स दी लास्ट वैल्यू, इट होल्ड्स दी लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो पहले जीरो थी, वन हो गई, फिर दोबारा जब इसे कॉल किया तो वन प्रिंट करेगा। अब ये इस बार वैल्यू इसको टू कर देगा। अब ये देखते हैं, जीरो हुआ, वन हुआ, फिर टू हुआ। अब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4। ये चीज ऑटो वेरिएबल के केस में नहीं थी, क्योंकि उसका स्कोप लोकल था और कर्ली ब्रेसेस में ही उसकी लाइफ स्टार्ट होती थी और एंड हो जाती थी। पर स्टैटिक के केस में क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो इट विल होल्ड द लास्ट वैल्यू। जैसे जो जीरो थी, जीरो के बाद इंक्रीमेंट हुई, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर दोबारा आया, दोबारा इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट कराई, फिर दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा। तो वही चीज हमारी यहाँ पे हो रही है, जीरो था, फिर वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, फिर फोर हुआ। इट वॉज नॉट इन द केस ऑफ ऑटो वेरिएबल, ऑटो रजिस्टर। मैम, हाँ जी, ये ऑटो में बार बार सेम गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि जब मेमोरी लोकेशन बनी थी तो जो वैल्यू शुरुआत में रही होगी ये बार बार वही प्रिंट करा रहा है। वो तो ठीक है, जैसे एक बार फंक्शन कॉल हुआ, वेरिएबल एलोकेट हुआ मेमोरी में, कहीं पे एलोकेट हुआ होगा रैम में, उसके बाद प्रिंट हो गया। अब जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया होगा। हाँ, नहीं, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा ना, ये वाला हम विंडो बंद नहीं करेंगे तब तक रीएलोकेट नहीं होगा, तब तक चल रहा है, मतलब उसने एक सीट ऑक्यूपाई कर रखी है और उस सीट पर जो वैल्यू है वो दिखा रहा है। ठीक है, जैसे एक बार फंक्शन कॉल हुआ, वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब सेकंड टाइम फंक्शन कॉल हुआ, फिर से एक और दूसरा वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि सिर्फ नाम ही सेम है, पॉइंटर तो ये चेंज कर देगा ना उस रैम के लोकेशन का। फंक्शन भी सेम है ना, प्रोग्राम को, फंक्शन भी सेम है, प्रोग्राम को कैसे पता? अरे सुनो, फंक्शन दो बार रन हो रहा है ना, फंक्शन की फंक्शन फंक्शन के लिए दो बार मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए।
नहीं फंक्शन, ये वाला फंक्शन एक बार बन रहा है, इस फंक्शन को हम दो तीन चार पांच बार बुला रहे हैं, तो जो इसमें काम हो रहा है वो तो एक ही बार हो रहा है ना, ये सेम मेमोरी लोकेशन की यूज कर रहा है बार बार, क्योंकि ये हमारा पता, ये जो इंट, हाँ हाँ मैं बोलूँ एक बार, ये हमारा सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है, अब हमें आप छह बार बुला लो, सात बार बुला लो या दस बार बुला लो, पर जो रोल नंबर सेवन है वो रोल नंबर सेवन ही रहेगा। तो ये एक ही बार बना है, तो इसका मतलब है ये भी एक ही बार बना है, बुला आप इसे कितनी बार भी लो, अभी डिफरेंट समझ आया? तो अगर फंक्शन जैसी खत्म होते ही मेमोरी को रिलीज नहीं करता, अच्छा नहीं, इसमें गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, नहीं होता इसमें, ठीक है, तो इसीलिए ये बार बार एक ही डिफॉल्ट वैल्यू कर रहा है। अब अगर मैं इसे 12 करूं तो ये बार बार 12 दिखाएगा, क्योंकि ये ऑटो वेरिएबल है, क्योंकि इसकी लाइफ वैसे यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे खत्म हुई, तो ये प्लस प्लस को होल्ड ही नहीं कर रहा, पर अगर ये वैल्यू स्टैटिक है, अगर ये वेरिएबल स्टैटिक है तो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी जीरो, और बार बार जब इसे कॉल करेंगे तो इट विल स्टोर दी होल्ड दी लास्ट वैल्यू, तो वो जीरो थी इंक्रीमेंट हुई वन हो गई, फिर वन होल्ड हुआ टू हो गई, फिर टू होल्ड हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ थ्री हो गई, थ्री होल्ड हुआ इंक्रीमेंट हुआ फिर फोर हो गई, अभी दोनों में एक बार इसका जरा मेमोरी एड्रेस प्रिंट करिएगा, एक मिनट, ऑटो ऑटो यूज करके, ऑटो यूज करके मेमोरी एड्रेस प्रिंट करिए, इसी में करा दूं? Yes, ma'am. ये वो कन्वर्टेड वैल्यू होगी क्योंकि हमने परसेंटाइल डी लगा दिया है, मैम हेक्स हेक्स में आएगी ना, हमने डी यूज करके रखा, हाँ हाँ वो कन्वर्टेड वैल्यू है, ठीक है, तो लोकेशन सेम है, इससे ये वेरीफाई हो गया, yes, है ना, ठीक है अब, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. और स्टैटिक में भी आप ये वाला काम चाहे करके देख लो, उसमें तो सेम ही रहेंगे, रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके शिट, वो मेरे ना लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे लैपटॉप में नहीं है, इसमें क्या हो रहा है ये चलता नहीं है, अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं एनोटेशन दिख रही है, अच्छा और ब्लैक कलर को अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो 10 मिनट में जल्दी से खत्म करते हैं, s is equal to 12 control F9 annotations clear करो 12 13 14 15 16 because static variable holds the last value, ठीक है, अब मुझे कराना है external variable annotation clear करो, कोई और जल्दी clear करो, तुम बच्चे जब क्लास में मिलोगे ना तुम्हें बहुत डांट पड़ने वाली है, हमने किया ये एनोटेशन वाले जो भी हैं, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, ये हो गया, हाँ मैं इन कॉलिंग को भी कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, अब ये देखो मैंने ना दो फाइल्स बनाई है, एक बनाई है कोई फाइल .c एक्सटेंशन से, तो ये एक सी फाइल है और इसमें ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू हटा रही हूँ, तो ex इज अ वेरिएबल जो किसी फाइल में है, ओके मतलब इस कंप्यूटर में कहीं पर भी ये फाइल हो सकती है, ये चीज समझ में आई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैंने इस वाली फाइल में मेरी करंट फाइल में एक हैश इंक्लूड ये कोड लिखा हैश इंक्लूड दिस, ठीक है, इसका मतलब है कि दिस फाइल विल बी इंक्लूडेड इन दिस फाइल, ओके, और बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स एक्सटर्न इंट ex का मतलब ये है कि दिस ex बिलोंग्स टू सम अदर फाइल, तो कौन सी फाइल से बिलोंग करता होगा, फिलहाल इधर से बिलोंग करता होगा, ठीक है, अब यहां पे एक्सटर्न इज टेलिंग दैट दिस एक्स इज बिलोंग्स टू सम अदर फाइल, अब मैंने इस ex को यहाँ पे प्रिंट कराया कंट्रोल F ने, क्योंकि ये एक एक्सटर्न वेरिएबल है इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, ओके
और इसका स्कोप ग्लोबल होता है, मतलब ये ईएक्स कहीं और है और कहीं और से हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है। अब मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी 233, कंट्रोल एफ नाइन, एक सेकेंड, ये उधर चला गया, ठीक है। तो 233 जो मैंने इधर वैल्यू दी वो इधर प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं और जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसे हम यहाँ करंट फाइल में यूज कर रहे हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस। इससे हमारी फाइल वो हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है करंट फाइल में, और एक्सटर्न टेल्स दैट दिस एक्स बिलोंग्स टू सम अदर फाइल इन कंप्यूटर, जिसका लोकेशन हमने यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा, और फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी, ठीक है। एक्सटर्न वेरिएबल समझ आया क्या होता है? ओके। इसमें आप ना ये प्रोग्राम मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है, ये आप लिख लो, ये आप अपने आप बना लेना, ये वाला प्रोग्राम मैं आपको भेज देती हूँ, ये प्लीज रन करके देख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। जो जो सीटी में आ रहा है उसके हैंड रिटन नोट्स भेज दीजिए। सब कुछ तो भेज दिया, और कितनी बार भेजूं? हैंड रिटन भेज दिया है, ग्रुप चेक करूं, सब कुछ भेज दिया मैंने, मल्टीपल टाइम्स भेज दिया। चलो हमारी स्टोरेज क्लास पिछले एग्जांपल में यही वाला जो ऑटो का पिछला वाला जो था ऑटो कीवर्ड जिसमें यूज कर रहे थे उसमें अगर हम लोग पॉइंटर रेफरेंस से उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करें, जैसे पॉइंटर यूज करके अगर उस मेमोरी के एड्रेस की वैल्यू को प्लस करें तो क्या उसमें रिफ्लेक्ट होंगी? हाँ हाँ होंगी, फंक्शन रन करेंगे होंगी होंगी, फिर वो गार्बेज वैल्यू जो भी उस लोकेशन पे पड़ा होगा गार्बेज ही होगा, वो भी करेंगे हम, बस CT2 का सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद। ये जो तुमने बोला है ना यही क्वेश्चन करेंगे, एनोटेशन क्लियर कर दो, तुम बच्चे इतने गंदे बच्चे हो ना। ये कौन है? चलो अब ये देख लो, ये पढ़ा है हमने। अरे क्यों नहीं मानते तुम बच्चे? देखो ये पढ़ा है हमने, ऑटो वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है, रजिस्टर का गार्बेज होता है, स्टैटिक का जीरो देखा हमने, एक्सटर्नल का जीरो देखा हमने, ये उनका स्टोरेज है, ये उनकी लाइफ टाइम है और ये उनकी विजिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया होगा, बाकी देखते हैं अपलोड करते हैं। स्टैटिक का स्कोप लोकल होता है? हाँ स्कोप लोकल होता है, क्योंकि जो हमने एस डिक्लेयर किया था ना वो एस किसी और फंक्शन से रीड नहीं हो सकता, पर उसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में होती है कि कहीं से भी कॉल कर लो तो वो लास्ट वैल्यू होल्ड करके आपको दिखा देगा कि क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसको बाय हार्ट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई विल अपलोड दिस फाइल, अब इसी को तुम देख लेना, बाकी मैंने बना ली है, वो थोड़ी सी एडिट करनी है फिर मैं अपलोड कर दूंगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ पार्टिसिपेंट। मैम मैंने आपको प्रोग्राम भेजे थे, आपने चेक नहीं किया था। अर्चित yes, मैं अभी कर देती हूँ, रुको। ओके मैम। अरे अर्चित वहाँ नेट चल गया। हाँ भाई छत पे बैठा हूँ मैं धूप में छाता लेके। हार्ड टाइम फॉर एवरीवन। चलो आई हैव क्लिक्ड ओके। चलो बच्चों ठीक है, बाय 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 मैम। बस स्क्रीनशॉट ले लिया। बाय मैम बाय।